हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हो तो सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसा शानदार ट्रिक लेके आया हूं, अगर आपने वो सीख लिया तो डेसिमल स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हर चीज सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आओ, यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि रूट में दिया हुआ है कि 0.0025 दिया है, और यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए काफी सिमिलर ऑप्शन है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 25 का जो रूट होता है वो क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। लेकिन अभी कंफ्यूजन यहां पर यह है कि डेसिमल कहां पर आएगा। तो सबसे शॉर्टकट ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। तो यहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, टोटल 4 नंबर है और स्क्वायर रूट है। तो आपको क्या करना है, आधा पकड़ना है आपको, मतलब 4 का क्या करना है आपको, 2 पकड़ना है। तो यहां पर तो सिंगल नंबर है, 2 नंबर कैसे आएगा, तो आपको यहां पर अज्यूम करना है 0 अज्यूम करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां पर पॉइंट रखना है और आपका आंसर जो है आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, यहां पर तो आपको इनिशियल स्टेज में समझा रहा हूं मैं, और बाकी जो एडवांस लेवल के सब में इसी वीडियो में करवाऊंगा मैं, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको मैं कि रूट के अंदर समझ लीजिए कि 0.00 यहां 0064 दिया है। तो अब देखोगे दोस्तों कि इसे सॉल्व कैसे करोगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, 64 का जो है दोस्तों, 64 का रूट कितना होता है, 8 होता। तो यहां पर मैंने 8 लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं। तो यहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 नंबर है। तो जैसे मैंने आपको कहा मैंने दोस्तों कि अगर रूट में है तो 6 नंबर है, तो 6 का आधा कर लेंगे तो कितना होगा, 3 नंबर होगा। लेकिन यहां पर तो सिंगल नंबर है, तो 3 नंबर कैसे करेंगे, तो हम यहां पर 2 जीरो और लगा देंगे, जिससे क्या होगा, 1 2 3 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको डेसिमल रख देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक सम था दोस्तों, आपको मैं और भी सम करवा रहा हूं, और भी सम लेके आया हूं जिससे आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर सकूं। दोस्तों, यहां पर देखिए रूट के अंदर इतना बड़ा नंबर दिया है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि यहां पर 676 जो है किसका रूट है, ये जो है दोस्तों 26 का रूट है। लेकिन दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन यहां पर ये है कि डेसिमल कहां पर रखें हम लोग। तो दोस्तों यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। स्क्वायर रूट है तो क्या करना है दोस्तों, हाफ कर देना है। तो 8 का हाफ क्या होगा, 4 होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर तो 2 नंबर है, क्या करेंगे हम लोग, और 2 जीरो यहां पर लगा देंगे, जिससे ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 कर देंगे, हो गया दोस्तों आंसर। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहां पर कैसे करोगे, यहां पर देखिए 0 पॉइंट था लेकिन यहां पर 1.21 है, तो ऐसे सम को कैसे करोगे। तो सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों कि 121 दिया है, तो आपको याद होगा कि 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है। तो आप यहां पर 11 लिख दीजिए। फिर क्या करोगे, यहां पर पॉइंट है तो यहां पर कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 1 2 नंबर है। 2 नंबर है मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 पकड़ना है, मतलब 1 नंबर के बाद आपको पॉइंट रख देना है, हो गया आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या करोगे, यहां पर 2.25 दिया है, रूट में दिया है। 225 का रूट कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। तो यहां पर मैं 15 लिख लेता हूं मैं, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 नंबर है। 2 नंबर है मतलब क्या करना है आपको, 1 नंबर समझना है, तो 1 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट रख लीजिए, हो गया आंसर। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको पूरा रिवील कर रहा हूं मैं कि ये ट्रिक जो है कौन से नंबर में यूज होगा, कौन से नंबर में यूज नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। यहां पर दोस्तों रूट में क्या दिया है, 0.121 दिया है। 121 का पता है आपको कि 11 होता है, लेकिन डेसिमल कहां पर रखे। तो दोस्तों यहां पर देखिए पॉइंट है, यहां पर 1 2 3 है, तो 3 का आधा कितना होगा, 1.5। 1.5 कहां पॉइंट रखोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते, और इसका रूट भी है नहीं निकलेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया? अब चलिए और 2-3 एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल यहां पर दोस्तों के 2.5 है, तो आपको पता है कि 25 का जो रूट निकालते हैं हम लोग, तो आंसर क्या होता है आपका, 5 होता है। तो यहां पर क्या करोगे, 5, और यहां पर 1 नंबर है, तो क्या 1 का आधा कितना करोगे, 0.5 करोगे, तो यह भी आपका रूट नहीं निकलेगा। दोस्तों उम्मीद है सब कुछ समझा दिया आपको। अब मैं आपको बड़े सम करवाने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब आपको सम करवाता हूं एकदम इंपॉर्टेंट सम। देखिए दोस्तों यहां पर जो दो सम दिए हैं ये दो सम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, लेकिन दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर रूट दिया है, तो एक काम करते हैं ये वन का क्या रूट होगा, वन होगा, तो यहां पर मैं वन लिख लेता हूं मैं। उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो दो नंबर क्या करना है, हाफ कर लेना, मतलब एक नंबर का पॉइंट होगा, तो यहां पर तो वन ऑलरेडी है, तो यहां पर पॉइंट लगा के 0.1 हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर प्लस, तो प्लस कर लिया मैंने, और दोस्तों 81 जो है वो किसका रूट है, 9 का है, तो यहां पर मैं 9 लिख लेता हूं, और पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो नंबर मतलब क्या होगा, एक समझना है और एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहां पर एक नंबर ऑलरेडी है, तो यहां पर पॉइंट लगा लीजिए, यहां पर 0 रख लीजिए। फिर देखिए यहां पर प्लस है, और यहां पर रूट जो है दोस्तों 1.21 है, तो कैसे करोगे आप, 121 का जो रूट होता है वो 11 होता है, तो यहां पर मैं 11 रख लेता हूं, और यहां पर पॉइंट के बाद दो नंबर दिया है, तो दो नंबर दिया है दोस्तों, क्या समझना है, एक समझना है, क्योंकि हाफ करते हैं हम लोग, तो यहां पर एक नंबर के बाद यहां पर पॉइंट लगा दें। अब देखोगे दोस्तों कि यहां पर देखिए एक नंबर का पॉइंट, यहां पर एक नंबर का पॉइंट, और यहां पर भी एक नंबर का पॉइंट, तो पॉइंट को भूल जाइए, सिंपल क्या करिए, 11 प्लस 9 कितना होगा आपका 20 होगा, और 20 प्लस 1 कितना होगा, 20 होगा, सब में एक नंबर का पॉइंट है, तो चुपचाप एक नंबर का पॉइंट लगा लो, हो गया आपका आंसर, 2.1 इज द राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये रूट के अंदर भी रूट दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों सिंपल ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम, यहां पर क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला रूट रख देंगे, और यहां पर 0.01 है, तो आपको पता है कि 1 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 1 होता है, लेकिन अभी इसको कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, पहले अंदर वाले को करेंगे, तो यहां पर एस इट इज में रख देता हूं मैं, और पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां पर 64 है, तो यहां पर मैं 8 लिख देता हूं, और पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो 4 नंबर तो क्या करना है, मुझे 2 नंबर समझना है, तो यहां पर सिंगल नंबर है, तो और एक 0 रख दूंगा जिससे 2 नंबर हो जाएगा, फिर यहां पर पॉइंट रख दूंगा, फिर ये 0 हो गया, क्लियर हो गया। अब दोस्तों इनको अगर प्लस कर लूं मैं तो आंसर क्या होगा, 0.09 होगा। अब 9 का रूट तो पता है आपको 3 होता है, और 3 होता है मतलब आपको क्या करना है, डेसिमल रखना है, मतलब पॉइंट रखना है, तो यहां पर दोस्तों पॉइंट के बाद 1, 2 नंबर है, और 2 नंबर क्या समझना है आपको, 1 नंबर समझना है, तो यहां पर 3 के बाद यहां पर पॉइंट लगा देंगे, और यहां पर 0 हो गया आंसर। तो दोस्तों यहां पर आपको समझाया मैंने, इसलिए टाइम लगा, नहीं तो अगर आप सीख गए ना अगर, तो चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि इस टाइप के वीडियो और भी बनाऊं मैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंच पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।